सब्सक्राइब करो साडा YouTube चैनल पंजाबी मीनिया ते अपने फोन ते नवीं वीडियोस देखने दे लई हिट करो बेल आइकन। सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो पंजाबी मेनिया ते अज असी पहुंच चुके हां 2019 दी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज दे सेट ते। हां जी, आओ हुण वाकां तों पुछदे हां असी किहड़े मूवी दे सेट ते पहुंच चुके हां। किहड़ी मूवी दे सेट ते आपां? काका जी। हां जी, असी पहुंच चुके हां काका जी दे सेट ते। ते इहदे जिहड़े मेन लीड ने ओह हले वैनिटी च रोटी खा रहे ने, ते थोड़ी देर तक आपां उहनां नाल मुलाकात करांगे ते बाकी स्टार कास्ट नूं वी थोड़ी मुलाकात करावांगे। सो स्टे ट्यून। हां जी, हुण साडे नाल ने जगजीत संधू जी ते धीरज कुमार जी। सत श्री अकाल सर, तुहाडा स्वागत है पंजाबी मेनिया च। सत श्री अकाल। काका जी, जिवें कि पंजाब च काका जी उहनूं कहा जांदा जिहड़े वड्डे घर दे विगड़े होए जवाक हुंदे ने, ते इस मूवी च वी सानूं कोई विगड़े होए जवाक दिखणगे? देखो, जवाक जरूर दिखणगे, वो विगड़े ने कि नहीं ये 25 जनवरी पता लगेगा, क्योंकि कई बार विगड़े भी वधिया होंदे ने। हुण डिपेंड करदा ना विगड़े कहिंदे किहनू ने। तीरज जी, थोड़ी पहली मूवी है मनदीप जी नाल, ते किवें दा एक्सपीरियंस है उन्हां नाल काम करन दा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी, मैं पहली बार उन्हां नाल काम कर रहा। पहला उन्हां दा काम जो जिन्ना भी उन्हां कीता देखा मैनूं बहुत अच्छा लग्या, ते वो बहुत कूल ने सैट ते। मैनूं हमेशा डायरेक्टर दी कूलनैस बहुत अच्छी लगती है कि मतलब एक हाइपर ना होना, हर चीज़ नूं बहुत आराम नाल जो भी चीज़ समझाउंदे तो वधिया लगदा जी। उन्हां दा बिहेवियर बहुत अच्छा है सर। जगजीत जी, डाकुआं दे मुंडा ने तो धुम्मां पातियां सी बॉक्स ऑफिस च, ते तुसीं उस टीम नाल इक वारी फिर आ रहे हो, रुपिंदर गांधी, डाकुआं दा मुंडा, देव खरोड़ जी, मनदीप जी नाल तुसीं कम कर चुके हो पहलां, ते तुहाडे लई इह एक्सपीरियंस किवें है इस मूवी च? एक्सपीरियंस देखो, जिहड़ी टीम वर्क है वो तो साडा चल ही रहा है ना। प्लस पॉइंट ये हो जाता कि जिन्हां नाल तुसीं कम करिया आ पहला, ते अगली फिल्म च तुसीं एक तो आपस इन्ना खुले होंगे हो, तुसीं अपनी गल शेयर कर लगे हैं, क्रिएटिव आइडिए वो फिल्म नूं ही फायदा करती है। जो तुसीं टीम आपस से बड़ी बॉन्डिंग होवे ना, फिल्म नूं फायदा होंदा, तो वो फिल्म नूं फायदा हो भी रहा, चाहे एक्टर होन चाहे डायरैक्टर होन, क्योंकि आपस से बॉन्डिंग बहुत सोहनी है साडी, मजाक भी करते हैं, कम भी करते हैं, तो रिलेशन जे ये फिल्म तो इफेक्ट करते हैं एक एक चीज़ से, तो वह फायदा फिल्म नूं हुंदा ही हुंदा। धीरज जी, तुसी रुपिंदर गांधी कर चुके हो, तो रुपिंदर गांधी जी जगजीत जी सिगे, देव खरोड़ जी सिगे, तो सैट से तो उही माहौल होना, तो इस सैट से किवें उन्होंने माहौलों तो कुछ डिफरेंट थानू मिल देखने को मिले? डिफरेंट तो हर फिल्म के सैट से ही माहौल होंगे, लेकिन जिहड़ी टीम नाल तुसी कम कर चुके हो, जिहड़े एक्टर नाल कम कर चुके हो, तो फिर वो एक आपदापन जा लगता उत्थे। फिर कई बार वो नहीं होंगे कि यार बंदा किदां दा होगा या किवें दा सोचता होगा, तो वह बहुत सारा एक रल मिल के जो कोई सीन करते हैं तो आपके सारे थॉट एक दूजे को सांझे करते हैं, सो बहुत प्यारा माहौल। एक होर बहुत बड़ा फर्क आ, जो पहली गांधी शूट हुई सी, पहली सानू याद आ, अज ही गल करते जी कि असी ट्रक थले सुते हुए सी मोगे शूट हुंदा सी, मिट्टी उड़ रही आ, मिट्टी उड़ रही आ, ट्रक थले पए आ, है ना, नींद आई हुई सी बहुत। स्कूटर वाला आया, जवाक जी आए, कहिंदे भाई फिल्म की शूटिंग चलती है? वह कहिंदे हाँ फिल्म की शूटिंग चलती है। कहिंदा फिर हीरो कौन है? वह कहना आ पे ने। उन्हें सानू लुक जी दिती, उन्हें किक जी मारी, कहना ए जी फिल्म होगी, कहता टरिंग वो देख लो उतों स्टार्ट हो। अज है ना सुख नाल रब की कृपा, वैनिटियां खड़िया ने, हम लोग जानते ने, है ना, मिलन आते हैं, पहला कोई नहीं सी जानना हुंदा, मतलब एक जर्नी कितों स्टार्ट हुई सी, अज उही प्रोडक्शन हाउस, उही एक्टर इस मूवमेंट ते आके खड़े हो। हाँ जी, हुण असीं तुहाडी मुलाकात करवाण जा रहे हां काका जी फिल्म दी मेन लीड आरुषि शर्मा जी नाल। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। तुसीं बहुत सोहणे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। ते मैम, पिंडां च पहलां कदे आए हो कदे पिंड च? नहीं, हाँ पहले थोड़े बहुत शूट किए हैं, लेकिन इतना टिपिकल पिंड में पहली बार आई हूँ। हाथ चुमदा वर्गी इन्नी वड्डी म्यूजिक हिट वीडियोस तो बाद हुण अपना डेब्यू करन जा रहे हो पंजाबी इंडस्ट्री फिल्म च, तां किवें दी फीलिंग ने? बहुत ही अच्छी फीलिंग है, और मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि देव जैसे बड़े स्टार के साथ और यू नो बेस्ट डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, एंड आई एम लकी आई थिंक एंड मे बी टैलेंटेड इनफ के मौका मिल रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। सानू पता लग गया तुसीं मिस इंडिया कॉन्टीनेंटल रहे हो 2016, तो एज एन मॉडल तुसीं सोचा सी हमेशा कि तुसीं मूवीज जाना है? हाँ जी, मैं मिस इंडिया इंटरकॉन्टीनेंटल थी, और हमेशा से सोचा था कि एक्टिंग करनी है,
मॉडलिंग नहीं करनी, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने गाने किए, उसके बाद अब मूवी कर रही हूँ। तो सोचा तो था हमेशा से। जिवें कि डाकुआं दा मुंडा देव करोड़ जी दी लास्ट मूवी सी, मनदीप बैनीपाल जी ने ही डायरेक्ट की सी, एक बहुत वड्डी हिट रही, बहुत धूमां मचाईआं उन्होंने बॉक्स ऑफिस ते, तुहानूं लग्गिआ कोई प्रैशर फील होया उन्होंने हुण काम करदे होए? प्रेशर में कभी भी अच्छा काम नहीं होता। तो मेरे हिसाब से, मेरे को पता है कि मैं जिन आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो डायरेक्टर हैं वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन आपको एक थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अगर उस अभी इस मुकाम तक पहुँच गई हूँ तो तभी है, क्योंकि मैं उतना अच्छा काम कर पाऊँगी और कर सकती हूँ। प्रेशर में फिर हमेशा काम खराब हो जाता है, अच्छा नहीं होता, दिस इज़ व्हाट आई फील। तो जब मनदीप जी ने थोनू स्क्रिप्ट सुनाई सी तो थोनू किवें दा लग्या सी? तुसी मतलब सोच रहे सीगे कि ये रोल मेरे लिए मुश्किल होगा कि या मैं कर लाँगी? हर जो चीज़ भी आप लाइफ में करते हो सब मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, आप अपने ऊपर इतना भरोसा रखते हो कि आप वो काम कर पाओगे, तो मुझे लगता है कि कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो डेफिनेटली मेरे लिए ये रोल एक बहुत डिफरेंट रोल है, मैंने आज तक जितना भी काम किया है एक मॉडर्न लुक में, मॉडर्न रोल में किया है। ये बिल्कुल देसी, बिल्कुल पिंट की लड़की है। मुझे था कि थोड़ा बहुत आई विल हैव अ लिटिल बैरियर्स, लेकिन ठीक है, वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर आर्टिस्ट किस काम के अगर वो नहीं कर पाएंगे तो। जिवें कि असीं थोड़ा अटायर देख रहे हैं, बिल्कुल पंजाबी जुत्ती सूट पाया होया है, तो किवें मतलब एक दिल्ली तो तुम आते हो तो उमें एक मॉडर्न लुक तो हूँ देसी सूट किदा की फीलिंग आ? ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी सूट तो बहुत बार पहने हैं, बट इतना टिपिकल देसी सूट नहीं कभी पहने और परांदे परूंदे नहीं लगाए। लेकिन ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी लुक को लेके, सब तारीफ़ कर रहे हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ, आपने भी बोला थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैसे। और मतलब मुझे लगता है कि कर लूँगी ये भी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस लुक को लेके और इस कैरेक्टर को लेके। हाँ जी, तो हुण साडे नाल ने सहर जो कि अपना डेब्यू करन जा रहे ने काका जी मूवी च। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी, की हाल है तुहाडा? वधिया, तुसीं बहुत सोहणे लग रहे हो जी, बहुत बहुत धन्नवाद। तो डेब्यू मूवी वह भी देव खरोड़ जी नाल, किद्दां दी फीलिंग आ? बहुत वधिया फीलिंग है सच दसां तां, बहुत एक्साइटेड भी हाँ। तो बाकी वेखो। तो मैम तुसीं अपना कित्थों स्टडी वगैरह कित्थों कीती आ? मैं अपनी स्टडी जिहड़ी स्कूलिंग हैगी वो अपनी संगरूर तो कीती है, तो मेरी जिहड़ी ग्रैजुएशन हैगी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो कीती है। तो मैम जब मनदीप सर थोड़े को स्क्रिप्ट लैके आए तो जब तुसी पढ़ी थोड़ी अपने करैक्टर बारे देखा तो किद्दां लग्या कि मुश्किल होगा अडैप्ट करना करैक्टर कि ठीक लग्या? नहीं, मैं कॉन्फिडेंट सीगी कि मैं कर लाँगी, तो मुश्किल कुछ भी नहीं होंदा, बट ये होंदा कि हाँ उन्होंने थोड़ा अपने जहन च बिठाना, यू नो। तो बहुत वधिया करैक्टर है मेरा, थोड़ा चुलबुला करैक्टर है, तो आई होप कि मैं बहुत वधिया निभावां ते तुहानू सबनू बहुत वधिया लगे। तो हुण आपां करैक्टर ते ही आए ने, की नां ने करैक्टर दा ते किवें दा रंग तुहानू देखण नू मिलेगा मूवी च? करैक्टर दे नां तां मैनू हाले पता नहीं है, तो बाकी जिहड़े रंग ने उह बहुत सोहणे होणगे, ते नां अज पता चल जाणा सानू, हुण सारा कुछ दस देना है, तो जो भी हैगा बाकी साडा फोटोशूट पोस्टर शूट जिहड़े ने उह सारे शुरू हो गए। तो तुसी किवें जुड़े इस मूवी नाल, किवें तुसी मनदीप सर ते प्रोड्यूसर्स नू मिले इस मूवी नाल जुड़न दे पिछे की ओ सीगा सोर्सेस सीगे? ओके जी, मैं रेफरेंस दे थ्रू आई सीगी इत्थे, ते मैं आके अपना ऑडिशन दिता ते फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। ते मतलब हुण देव खरोड़ जी सामने होणगे, तुसी उन्हां नू मूवी च देखिया होया, डाकुआं दा मुंडा रीसेंटली बहुत वड्डी हिट गई है, ते अंदर कोई नर्वसनेस हैगी उन्हां नाल काम करदे टाइम? नर्वसनेस कोई नहीं है, वधिया लग रहा है, वधिया लग रहा, बहुत वधिया लग रहा। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਮੀ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਕਾ ਜੀ? ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਟੂਰ ਕੱਢੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਫਿਰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ।
काका जी, जिवें कि पंजाब च काका जी उन्हां नूं कहा जांदा जिहड़े बहुत ही विगड़े हुए जवाक हुंदे ने वड्डे घरां दे, ते तुहाडे अगे वी लग रिहा कि काका जी सन ऑफ रॉयल सरदार, तां थोड़ा दस्सो कि इह काका जी बदनाम ने कि इह चंगे वाले काका जी ने। देखो एक उम्र हुंदी आ, हर बंदे ते आउंदी आ, हर मुंडे ते आउंदी आ उम्र, उह उस उम्र दे विच हर जिहड़ा मुंडा हुंदा थोड़ा जिहा किते नौटी हुंदा हैना, सो इह काका वी थोड़ा जिहा नौटी आ क्योंकि इहदी संगत इदां दी आ। बाकी इह बड़े एक रॉयल फैमिली नू बिलोंग करता, बट वो जिहड़ी सरदारी है वो सरदारी लोगों के नहीं दिखाता ये काका जी, ये बड़ा उन्होंने नॉर्मल बिहेव करता, सो इदा की कहानी है। और यह काका नौटी है, पूरा नौटी है, और नौटी भी है तो गुस्से वाला भी है, हंसदा खेडता भी रहिंदा, जो कोई पंगा लैंदा तो फिर सिद्धा भी कर दिंदा। जिवें आपां सवेरे शूट ते भी देखिया जग्गी जी उन्नी स्वैटर च घूम रहे सी, तुसीं भी जैकेट पाई हुई सीगी, तां की चक्कर आए इह गर्मी च जैकेट पा के क्यों घूम रहे हो? देखो मैं शेरवानी पाई बैठा इन्नी गर्मी च, हैना, कितें विआह ते तां नहीं चले सी? नहीं नहीं विआह ते नहीं, अज साडा पोस्टर शूट चलदा इत्थे, सो जिवें दा साडी मूवी दा कंटेंट है उस हिसाब नाल असीं पोस्टर शूट कर रहे हां। ते जे आपां ने लिखा कि सन ऑफ रॉयल सरदार तो फिर रॉयल्टी नज़र आनी चाहिए है ना, सो उदा का पहरावा। बट यह है कि साडे फिल्म वाला तो मैं पहला भी किया है, चक्कर जरूर है कि गर्मियों कई बार ठंड वाले कपड़े पाने पैंदे आ, सर्दियों कई बार गर्मी वाले, उदा का वैदर जिदा दिखाना पैंदा। सो साडी इस मूवी का जिहड़ा वैदर असीं दिखा रहे हैं सर्दियों का टाइम जिहड़ा असीं दिखा रहे हैं, सो इस करके सारे ने किसी ने स्वैटर पाई है, किसी ने जैकेट पाई है, आ चक्कर है। जिहड़ी कास्ट है वो डाकुआं दे मुंडे वाली कास्ट है, जग्गी जी दी भी इत्थे ने, लक्की जी भी इत्थे ने, डायरेक्टर भी मनदीप धालीवाल, ते इह जिहड़े सिगा सनैरियो इह तुहानूं उदां दी फील आई कि कुछ नवां सिगा इस शूट ते जे तुसीं कर रहे सी? नहीं, डाकुआं दे मुंडे वाला फील तां जमां ही नहीं आ रहा जी, वो थोड़ी इंटेंस मूवी सीगी, ये पूरी मतलब एक आप इंटरटेनिंग मूवी कह सकते हैं, हसण खेडन वाली है, कॉमेडी मूवी तुसीं कह सकते हो, कॉमेडी ते एक्शन दा एक तड़का ये मूवी हैगी। बाकी है कि साड़ी मेरी जगजीत दी लक्की दी सारे दी कैमिस्ट्री बहुत चंगी है, असी कैक्टर दे तौर पर नहीं असी विचरदे, असी भरावां दे तौर पर विचरदे हां। बाकी मनदीप बैनीपाल बाई साढ़े नाल एक ट्यूनिंग बन चुकी है सारे दी, ड्रीम रियलिटी मूवीज़ दी, तां सानू लगता कि असी एक दूजे नाल बड़ा ईजीली काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सो जे कोई आइडियाज़ दिमाग दे विच आउंदे ने तो वह भी डिस्कस करते हैं, एक दूजे की सुनते हैं, तो इस करके जो थोड़ी एक टीम बन जाती है ना तो फिर मज़ा ही अलग हुंदा काम करन दा, सो हुण एक टीम बन चुकी है, ये सिर्फ इतने तक सीमित नहीं रहनी, हो सकता थोड़ा दो चार पांच फिल्मों च होर भी अगे नज़र आए। जिवें आप गल करिए डाकुआं दे मुंडे दी गांधी सीरीज़ की, एक गैंगस्टर लाइफ मतलब किसी की लाइफ से बेस्ड मूवी सगियाँ, तो काका जी भी कुछ यहोजी मूवी है कि कुछ नवा आ रहा है? ये नवा जी, ये टोटली डिफरेंट है, ये सबजैक्ट है जिहड़ा अज तक किसी ने छूया नहीं है पंजाब दे विच, वापरदा रहा पंजाब दे विच 95 2000 2005 तक अज भी, पर यह सबजैक्ट किसी ने विशा जिहड़ा हैगा यह टच नहीं किया, गाने दे विच जरूर जिक्र हुंदा रहा, पिंडां दे विच ज़्यादातर हुंदा रहा, सो उन्हां हालातों के उत्ते फिल्म हैगी, पूरी कॉमेडी है इस फिल्म दे विच, तुसीं पूरा अहसास आ के तुहानूं लोड पोड कर देना, और एक्शन भी है जिते मेरा किरदार आउंदा उत्ते ऑडियंस जिहड़ी मेरे तो एक एक्शन चाहुंदी है, सो मैं उन्हां नूं निराश नहीं कर सकता, तां एक्शन भी हैगा और रोमांस बहुत वधिया इहदे विच। बाकी किरदार साढ़े जिवें हुण अपना जगजीत संधू है, लक्की धालीवाल है, कुछ किरदार साढ़े हैगे ने डाकुआं दे मुंडे वाले ते गांधी वाले, बाकी कई किरदार इस बार नवे आ रहे हैं, और वो किरदार ने जिहड़े कॉमेडी दे मंजे हुए कलाकार ने जिन्हां नूं अक्सर तुसीं कॉमेडी फिल्मां दे विच देखदे हो, सो ये थोड़ा डिफरेंट सबजैक्ट है, एक नवा सबजैक्ट है पंजाबी सिनेमे दे विच, और मैनूं पूरी उम्मीद है कि जिन्नी साडी ऑडियंस है जिन्ने सानूं प्यार करदे सारे बहुत इंजॉय करनगे। हाँ जी, हुण असीं तुहानूं मिलाण जा रहे हैं इस मूवी दे राइटर नाल, गिल रोंटा जी नाल। सति श्री अकाल सर। सति श्री अकाल जी, पंजाबी मीनियां देख रहे सारे दर्शकों नूं सति श्री अकाल। काका जी, काका जी जिवें कि पंजाब च उन्हां मुंडियां नूं कहा जांदा जिहड़े वड्डे करदे हुंदे ते विगड़े हुए हुंदे आ, तां जद तुसीं इह स्टोरी लिखी तां इह स्टोरी उन्हां ही उसी तरहां दी सिचुएशनस ते बेस्ड आ? सिचुएशन जी, काका जी साडा वड्डे करदा तां जरूर आ, पर मैं इह नहीं कह सकदा ज़्यादा विगड़िया नहीं है साडा काका, ते वधिया तुहानूं करैक्टर देखण नूं मिलेगा देव करोड़ बाई उन्हां दा काका जी। ये मूवी ड्रीम रियालिटी नाल आ रही है, तो जब तुसी ड्रीम रियालिटी नाल जुड़े तो थानू सीगा कि हाँ एक मूवी हिट जाऊगी? ड्रीम रियालिटी ना, असल दे विच मैं पिछली फिल्म इन्हां दी डाकुआं दे मुंडे लई गाने लिखे सी, जिंदगी ते मर्जी दे फैसले, उदों तो मेरा इस टीम नाल जिहड़ा वाह वास्ता सी, दोस्ती सी, ते जदों मैं इस मूवी नूं लै के ड्रीम रियालिटी मूवीज़ नाल डिस्कस कीता ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਦ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਟ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਨੇ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਲੱਕੀ ਤਾਲੀਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੁਗਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਗਾਂਧੀ ਵਨ ਗਾਂਧੀ ਟੂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਮੰਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ।